जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। जहन्नम क्या, जन्नत। व्हाट इज हेवन एंड व्हाट इज हेल, जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है, स्वर्ग क्या है, जन्नत क्या है, नर्क क्या है, जहन्नम क्या है, स्वर्गम क्या है, नर्गम क्या है। हम लगा लिया तो टेबल बना, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। अब जिगर मुरादाबादी ने कहा, जिगर मुरादाबादी कहते हैं तेरा मिलना, तेरा मिलना, तेरा नहीं मिलना, और जन्नत है क्या, जहन्नम क्या। हुजूर का आशिक कहता है या रसूल अल्लाह आप मिल जाएं यही जन्नत, आप ना मिलें यही जहन्नम। तेरा मिलना, तेरा नहीं मिलना, और जन्नत है क्या, जहन्नम क्या। जन्नत क्यों जन्नत है, जाहिद जो होगा जिसने इबादत जन्नत के लिए की होगी वो तो यह कहेगा कि जन्नत में मुझे शहद मिलेगा, शराब मिलेगी, दूध मिलेगा। बात समझ में आ रही है, हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे, जन्नत के मेवे मिलेंगे, फल मिलेंगे, लहमे तैर मिलेगा, लहमे तरी मिलेगा, परिंदे का गोश्त मिलेगा, मुख्तलिफ गोश्त मिलेंगे, लजीज लजीज गिजाएं मिलेंगी, ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, जन्नत के ठंडे ठंडे साये मिलेंगे, जन्नत की तुरपा बहारें मिलेंगी। जिंदगी में मैं इसीलिए पढ़ता हूं, इबादत करता हूं, नमाज इसीलिए पढ़ता हूं, रोजा इसीलिए रखता हूं, यहां नजरेबंद नहीं करता इसलिए कि वहां बुरों को देखूंगा, यहां बुराई करता नहीं, यहां अल्लाह के अहकाम की पाबजाई करता हूं इसलिए कि वहां मैं ऐश इशरत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जन्नत के मजे लूटूंगा। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लोग भी ये इबादत करते हैं जन्नत की तमन्ना में, जन्नत के लालच में, जन्नत के लिए, और ये लालच अल्लाह ने खुद दिया है। तुम नेकी करोगे तो जन्नत मिलेगी, पूरे मिलेगी, गिलमान मिलेंगे, शहद मिलेगा, दूध मिलेगा जन्नत का, पानी मिलेगा, मुख्तलिफ मेवे मिलेंगे, हर किस्म का ऐश मिलेगा, आराम मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, शहद मिलेगा, राहतें मिलेंगी, मसरतें मिलेंगी, इज्जतें मिलेंगी। इसलिए जन्नत, इसलिए तुम इबादत करो और दोस्त से बच जाओगे, जन्नत की नेमतें तुम्हारे हिस्से में आएंगी, इसलिए जो अमल करो। ये भी बहुत अच्छी चीज, तो समझ में आ रही बात। जो आशिक होगा अल्लाह का वो जन्नत की तरफ कब देखता है, उसने जन्नत के लिए इबादत नहीं की है। अब उसे जन्नत में ले जाके छोड़ेंगे, जन्नत में वो जाएगा तो किसे तलाश करेगा, मौला का जलवा कहां है। तो जो जन्नत के मजे के लिए, जन्नत की राहतों के लिए, जन्नत के मेवों के लिए, जन्नत की हूरों के लिए इबादत करता है उसे हूरें मिलेंगी, और जो मौला के जलवे के लिए, उसके दीदार के लिए, उसके नजारे के लिए इबादत करता उसे मौला मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो मौला का मिलना जन्नत है। जहन्नम, जहन्नम क्यों है, जहन्नम, जहन्नम क्यों है, इसलिए कि वहां ना मौला का जलवा है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, बराबर है हाफिज साहब। हाँ, जो जहन्नम में जलने वाले होंगे वो अपने रब से महजूब होंगे, रब उनसे हिजाब में होगा। सबसे बड़ा अजाब तो यह है कि रब का जलवा नहीं होगा जहन्नमियों के सामने, रब का जलवा नहीं है, इसलिए वो जहन्नम है, नर्क है,
एल है, नहीं समझ में आता। जन्नत में क्या है? वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन जो है तरोताजा होंगे, शुगुफ्ता होंगे, खिले हुए होंगे गुलाबों की तरह। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब को देख रहे होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, रब उन्हें देख रहा होगा, ये रब को देख रहे होंगे। जन्नत की तमाम नेमतों में इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? बात समझ में आ रही है? तो जो जन्नत की मसर्रतों के लिए, वहां के दूध और शहद के लिए और शराब के लिए इबादत करते हैं, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जो दोजख से बचने के लिए इबादत करते हैं, वो लोग भी अच्छे हैं। सबसे अच्छे कौन है? जो रब को देखने के लिए इबादत करते। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत क्यों जन्नत बनी है? इसलिए कि वहां रब का जलवा दिखाई देगा, वहां रसूलुल्लाह के जलवे दिखाई देंगे। और दोजख की सबसे बड़ा अजाब क्या है? वहां ना मुस्तफा का जलवा दिखाई देगा, ना खुदा बेहिजाब होगा। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा सवाब तो यह है कि मुस्तफा नजर आ जाए, और जिसे मुस्तफा नजर आ जाए उसे खुदा नजर आ जाए। तेरा मिलना, तेरा नहीं मिलना, और जन्नत है क्या जहन्नम क्या, दीनों दुनिया में जाने जाना का वसल जन्नत, फिराक है दोजख। शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीनों दुनिया में मेरे जाने जाना, मेरे मौला का वसल ही जन्नत है, और उसकी जुदाई बिरह और फिराक जो है वो क्या है? दोजख। इजा उल्कू पिहा समी उलहा शहीक हूं वही तफू। जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है? इस सवाल का मैंने जवाब तो दिया, फिर भी यह सवाल करता हूं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है? अल्लाह ताला की रजा जाहिर होती है तो जन्नत की नेमतों की शक्ल इख्तियार करती है। हूरें, कुसूर, जन्नत की बागों, जन्नत की बहारें, जन्नत की शहद, जन्नत का दूध, जन्नत का पानी, जन्नत की बहारें, जन्नत की आबो हवा, जन्नत के साए, जन्नत की मसर्रतें, जन्नत की कामयाबियां, खुशियां, और जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की महक, जन्नत के फूल, रजाए खुदा बशक्ल जन्नत जाहिर हो। इसी तरह मौला का गजब जाहिर होता है तो जहन्नम, ये शोले, ये शजरे जकूम, ये चीखें, ये शहीद, ये जफीर, ये जहन्नम की आग, ये जहन्नम, ये तमाम चीजें मौला के गजब का मजहब। उसका गजब जाहिर हुआ तो जहन्नम, उसकी रजा जाहिर हुई तो जन्नत। अब सब कैसे चाहते हैं? उसकी रजा को चाहते हैं, और सब किससे भागते हैं? उसके गजब से भागते।